बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बहनों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुश बाश होंगे। मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर। दोस्तों बहनों भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी हर एपिसोड का आगाज़ हमेशा अच्छी बात से होता है, और आज की अच्छी बात यह है कि कामयाबी हमें हमेशा मुश्किल मिजाजी के साथ मिलती है। हम ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, लगातार उस पर मेहनत करते हैं, तब जाके हमें मिलती है कामयाबी। और यकीन जाने, मुश्किल मिजाज नहीं है तो आपके पास चाहे जितना भी सरमाया है, आप वो सरमाया कोई भी काम करेंगे वो डूब जाएगा। और अगर आपके पास सिंगल पैनी भी नहीं है, आपका इरादा मजबूत है, आपकी नीयत अच्छी है और आप मुश्किल मिजाजी के साथ किसी भी काम के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर धूप हो, छाँव हो, शाम हो, सुबह हो, अंधेरा हो, उजाला हो, आप नहीं घबराते। आपके अंदर एक ही लगन है कि आपने इस काम में कामयाब होना है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद आने में भी ज़रा देर नहीं लगती। आज की इस एपिसोड में आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने अपने बिजनेस का बहुत छोटे लेवल से आगाज़ किया, और लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करते रहे, लोगों के ताने तशने भी सुने, नाकामी भी देखी, परेशानियाँ भी देखी, मुश्किलात भी देखी। जो भी शख्स दुनिया में कामयाबी चाहता है तो उसको इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। आज अगर आपने ये पूरी एपिसोड देख ली तो यकीनन आप भी अपनी ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी को एक कामयाब ज़िंदगी बना सकते हैं इन बातों पर अमल करके। आज की इस एपिसोड में हमारे साथ होंगे अली भाई, तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अली भाई के पास और देखते हैं इस एपिसोड में अली भाई ने किस तरह से कामयाबी हासिल की। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो के अगले मरले की तरफ बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक हल्का सा लाइक वीडियो को मार दें। ले जनाब, आ चुके हम अली भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का करम। आखिर आज आपको मैंने पकड़ ही लिया आके। जी जी। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह से। यकीनन बहुत सारे बहन भाई आपको जानते हैं, पहचानते हैं। मैं चाहता हूं कि आज हम रूटीन की एपिसोड ना बनाएं, बल्कि बताएं, सबसे पहले बहन भाइयों को बताएं कि आप किस किस चीज़ में डील करते हैं, कपड़े की कौन कौन सी वैरायटी होती, फिर आपकी मैं स्टोरी की तरफ आना चाहूँगा। आज आपसे पूछूँगा कि आप किस तरह से फील्ड में आए और किस तरह से आपने स्टार्ट किया और किस तरह से कामयाब होते गए। सबसे पहले तो जो है वो मैं बताता चलूँ कि मंजूर कलेक्शन हमारा अपना ब्रांड भी है, जिसके अंदर हमारे पास बिन मंजूर आता है। ठीक है। बिन मंजूर के अंदर वॉल्यूम्स के नेम्स हैं, यानी नूर, हफ्सा, लायका, सिनान, ऐसे करके हमदा, ये 5-6 वॉल्यूम्स आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है मंजूर कलेक्शन भी ब्रांड होता है, मंजूर कलेक्शन हमारा वो भी ब्रांड है अपना। ठीक है। उसके अलावा हम पाकिस्तान के जितने तमाम बड़े ब्रांड्स हैं उनके अंदर डील करते हैं, जैसे सफायर हो गया, खाडी हो गया, गुल अहमद हो गया, मारिया बी हो गया, निशात हो गया, वर्दा हो गया, लाइमलाइट हो गया, अलकरम हो गया, ठीक है, बुनैनजा सतरंगी हो गया, और जो जो ब्रांड्स जो हैं वो आपके माइंड में अगर आते हैं तो वो सारे के सारे आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलते हैं। मंजूर कलेक्शन का हमारा स्लोगन भी यही है, हाउस ऑफ ब्रांड, यहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ज़बरदस्त। हादसाती तौर पर इस फील्ड में आए, कपड़े की फील्ड में, या फैसलाबादी होने का फ़ायदा आपको मिला? नहीं, ये फैसलाबादी होने का फ़ायदा नहीं है, ये हादसाती तौर पे ही हुआ है। आपने बड़ा जो है वो डीपली क्वेश्चन पूछ लिया आज, तो आज जो है वो क्लियर ही बताते हैं। असल के अंदर जो है ना वो हमारी बेसिक फील्ड नहीं है ये। ठीक है। हमारे जो है बाबा अजदाद की, हमारे बड़ों की, हमारे वालिद साहब की जो फील्ड है वो उनकी फील्ड है कंस्ट्रक्शन की। अच्छा। कंस्ट्रक्शन की फील्ड है उनकी जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, घर वगैरह बनाते हैं, सेल करते हैं, ऐसे का जो है ना वो सेटअप है उनका। ठीक है। तो सारे जो है ना वो यही काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वाला, और जो है ना वो कपड़े की फील्ड में कोई नहीं था। अच्छा। और जो है ना वो हमने इसको चूज किया कि हम जो है ना हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए। अच्छा। तो इसलिए हम जो है वो कपड़े की फील्ड में आ गए। ठीक है। सेटअप जो स्टार्ट किया था, पहला सेटअप, वो किस तरह का था?
असल में जो है ना वो स्टार्टिंग से पहले ये था कि इस काम को जो है ना वो सीखा है, 3-4 साल लगाए हैं इस काम के ऊपर, जिसपे इस काम का जो है ना वो अबूरा हासिल किया है इसका, हाँ ना हो इसके लिए है, इसको जो है वो सीखा है प्रॉपर तरीके से ना। उसके बाद जो है वो एक छोटे से सेटअप से जो है वो काम स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 4 साल पहले। ठीक है। और फिर जो आपको अगली कामयाबी मिली, इसमें मुश्किलात आई आपको, क्या मेहनत की, क्या आपने किया इसमें? असल में जो है ना वो हर काम के अंदर जो है वो मुश्किल तो आती ही आती है। ठीक है। उसके अंदर जो है ना वो सबसे पहला आपका जो है ना वो इरादा मजबूत होना चाहिए काम का, कि आप इस फील्ड में हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने इसके अंदर स्ट्रगल करनी है। ये माइंडसेट बना के किसी भी फील्ड में कूदना है आपने। सही, बिल्कुल। अगर आपको आपका स्पेस चाहिए उस फील्ड के अंदर, तो आपकी स्ट्रगल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। उसके बाद जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करते करते जो है ना वो आपका स्पेस बन ही जाता है, और मुश्किल के बगैर जो है वो आसानी भी नहीं है। आसानी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया, स्ट्रगल मेहनत के साथ गुजरते हुए जो है वो आज हम जो है वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। जब पहला सेटअप स्टार्ट किया, उसके बाद दूसरा सेटअप कहाँ स्टार्ट किया? पहला सेटअप भी यहाँ पे फैक्ट्री एरिया में स्टार्ट किया था। ठीक है। और जो है ना उसके बाद जो दूसरा सेटअप था वो भी यहाँ पे फैक्ट्री एरिया में ही किया। ठीक है। वो सेटअप पहले वाले सेटअप से थोड़ा सा बड़ा सेटअप था। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो है वो थर्ड जो हमने ऑफिशियली लॉन्चिंग की अपनी ब्रांच की, ये हमारी जो है वो मेन ब्रांच है। ठीक है। ठीक है। वहाँ भी हमारा हेड ऑफिस है, सारा कुछ वहाँ पे है। उसको हमने फिर वहाँ पे यानी इसी फैक्ट्री एरिया में उसी बाजार के अंदर जो है वो हमने एक बड़ा सेटअप जो है वो अल्लाह ने हमें दिया, और हमने जो है वो वहाँ पे उसकी ऑफिशियली जो है ना वो लॉन्चिंग की, कि ये मंजूर कलेक्शन का ऑफिशियल जो है ना वो सेटअप है। ठीक है। और ये जो गोदाम है, उसके बाद जो है वो फिर हमने एक दूसरा सेटअप जो है वो मेन टाटा बाजार रोड पे रहीम सेंटर के अपोजिट साइड पे है, वो वाला सेटअप स्टार्ट किया। वो प्लाजा है, बेसमेंट है उसका, ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड फ्लोर, 5 फ्लोर्स हैं उसके। अच्छा, माशा। उसके बाद जो है वो ये हमारा जो है वो वेयर हाउस है, इसके अंदर जो है वो हमारे फैक्ट्रियों से स्टॉक आता है, पैकिंग कटिंग वगैरह सारा कुछ यहाँ पे होता है। अच्छा, जबरदस्त, एक अच्छी बात की है आपने माशाल्लाह से। बताइएगा बहन भाइयों को, कोई बहन भाई नया काम शुरू करना चाहता है, उसे बिल्कुल कपड़े की फील्ड में ना हो नहीं है, 1% भी नहीं है, ठीक है, तो कितने पैसे आपके पास लेके आए तो एक अपने जाके दुकान पे या अपने सेटअप पे जाके वो एक हैंडसम अमाउंट कमा सकता है? असल के अंदर जमशेद भाई, कोई भी चीज़ किसी भी फील्ड के अंदर जो स्टार्टिंग है ना, वो असल में होती ही जो है वो जीरो से है। सही, बिल्कुल सही। जिस बंदे के पास पैसे होते हैं वो काम नहीं करता। सही। वो काम नहीं करता, वो कहता है मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, मैं आपके साथ इन्वेस्ट करूंगा, उसके साथ मुझे कोई मसला नहीं है। सही। असल में स्ट्रगल वही करता है जो बंदा जो है वो जीरो लेवल से स्टार्ट करता है। ठीक है। उसके अंदर ये है कि हम सबसे पहली चीज जो है वो आपकी मेहनत जो है वो शर्त है इसके अंदर, कि आप जो है वो बेशक 10 लाख लगाएं या 1 लाख लगाएं, अगर आपने मेहनत ही नहीं करनी तो कोई फायदा कोई नहीं है। फायदा नहीं, मट्टी हो जाएगा। ठीक है, मट्टी हो जाएगा। इसलिए जो है ना वो मिनिमम आप जो है वो सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं 50,000 से जो है ना वो आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप उसे करते हैं, उसके अंदर अगर आप अच्छी क्वालिटी के भी सूट लेते हैं, 25 से 30 सूट आपके आ जाते हैं। 25-30 सूटों के अंदर आपको कस्टमर को च्वाइस करवाना भी आसान है। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही। कि च्वाइस करवाना आसान है, आपके पास ये नहीं है कि आपके पास 10 है, आपके पास एक क्वांटिटी आ जाती है, 5-5 सूट हर ब्रांड के हैं, 6 ब्रांड आपके पास है, उसके अंदर जो है वो आप कस्टमर को सिलेक्शन के लिए ऑप्शन दे सकते हैं कि ये चीज है आपके पास, उसमें से वो सिलेक्ट करें तो जो है वो अल्लाह के फजलो करम से आपको यहाँ से 40-50% मिनिमम डिस्काउंट मिलता है। अच्छा। उसके बाद हमारी ऑफर्स भी चलती रहती हैं कि है। जैसे कोई सेट बाय करता है एडवांस पेमेंट पे तो डिलीवरी फ्री कर देते हैं हम, उसके अलावा सेट में से 50 रुपये पर सूट की लेस भी है, फिर रीसेलर्स को डिलीवरी फ्री का और उसका बेनिफिट हो जाता है, उसके लिए आगे जो है वो मार्जिन रख के सेल करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे की ऑफर्स वगैरह भी चलती रहती हैं। ऑनलाइन क्या सिस्टम है आपका, किस तरह से डील करते हैं बहन भाइयों? असल में ऑनलाइन के अंदर जो है ना वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है तरीकाकार, ये कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो डीलिंग करते हैं व्हाट्सएप पे। अच्छा। व्हाट्सएप पे डीलिंग करते हैं, मतलब हमारी वेबसाइट नहीं है। ठीक है। हमारा जो है ना वो मंजूर कलेक्शन का चैनल है, यूट्यूब पे पेज है, और उसके अलावा जो है ना व्हाट्सएप पे प्रॉपर हमारी टीम बैठी हुई है, जिसके अंदर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है ना वो 30 व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं। अच्छा। जिन पे हम ऑनलाइन जो है ना वो ऑर्डर्स लेते हैं, बुकिंग करते हैं। 30 व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर 30 व्हाट्सएप नंबर्स हैं, उसके ऊपर जो है वो 60 लोगों की टीम है। क्योंकि
एक बंदा सीनियर है, एक उसका जूनियर है जो उसके साथ पार्सल पैक करता है। ये होता है ना कि हम आप किसी भी अदारे को ऑर्डर बुक करवाते हैं, अगर वो आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच करवाने में देरी करता है तो आपका माइंड भी चेंज होता है। माइंड भी चेंज होता है, बिल्कुल सही। हमने हर एक सीनियर लड़के के साथ जो है वो जूनियर है, सीनियर का जिसको ऑर्डर जाना है उसने डिस्पैच नहीं करना, उसने ही डिस्पैच करवाना है और उसने अपने जो है वो जूनियर को फौरी जो है वो कहना है कि ये वाला ऑर्डर जो है पैक करो मेरे सामने ला दे। अच्छा अली भाई ये बताइएगा, मैंने आपसे 2000 का, 10000 का, 20000 का जितनी मेरी गुंजाइश है मैंने उस हिसाब से आपसे कपड़ा मंगवाया, मुझे जब मेरे घर पर पहुंचा, पाकिस्तान के किसी भी शहर में बैठा हूँ तो मुझे पसंद नहीं आया, तो इसकी क्या आप लोग गारंटी देते हैं वापस रख लेते हैं? उसके अंदर बिल्कुल जो है ना वो हमारी वापसी भी है, ठीक है, चेंजिंग भी है। अगर आप उसमें से करते हैं ना कि आपको सपोज एक एग्जांपल है कि आपको दो सूट गए हैं, आपको एक पसंद आ गया, आपने कहा एक वापस करना है या चेंज करना है, वो हो जाएगा। अगर आप कहते हैं दोनों चेंज करने हैं या वापस करने हैं तो कोई मसला नहीं है, सीजन के अंदर अंदर सीजन के अंदर जब दिल चाहे स्टॉक चेंज करवाएं, ये हमारी जो है ना वो पॉलिसी है। और इंशाल्लाह जो है वो हम आपको जैसे ऑर्डर बुक करते हुए स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए बुकिंग होती है ना, ऐसे ही चेंज और जो है ना रिटर्निंग भी स्माइल के साथ ही होगी, आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा इंशाल्लाह। असल के अंदर जमशेद भाई ये कोई दुकान नहीं है, सही ये मंजूर कलेक्शन कोई दुकान नहीं है, ये एक अदारा एक कंपनी है, इसके अंदर जो है वो इंशाल्लाह रूल्स हैं उनको ही फॉलो किया जाता है। ज़बरदस्त ऑप्शन दे दिए जनाब आपको इन्होंने। अभी चलते हैं जनाब आपको चंद एक प्रोडक्ट भी दिखाते हैं मंजूर कलेक्शन की, अभी आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट्स ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह की यहाँ पे कलेक्शन होती है, किस तरह का स्टफ़ होता है। अली भाई दिखाइएगा ज़रा। चलिए भाई कोई भी आप पीस लेते हैं, ये हमारे अपने ब्रांड का है मंजूर कलेक्शन का, ठीक है, ये पैकिंग और ये चीज़ देख सकते हैं, ये इसके अंदर ना आप ज़रा करीब से दिखाएं जी जी, क्वालिटी देखें इसकी, ये शर्ट की क्वालिटी है, ठीक है जमशेद भाई आप भी चेक करें इसको, वाह ठीक है, ये 90-70 है, ये जो है वो असल 90-70 है, ठीक है, 8Z क्वालिटी के साथ है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आप चले जाएं इसके ऊपर, ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे की क्वालिटी भी 8Z आपको मिलती है, ये देखें, अच्छा जी, ठीक है, ये लोन का दुपट्टा है इसके साथ, ठीक है, और 8Z क्वालिटी के साथ फाइन लोन है, और ये है जी ट्राउजर, ठीक है, ट्राउजर भी आपको 8Z क्वालिटी के साथ मिलता है, ठीक है, यानी क्वालिटी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं, और तीनों चीजें, ये नहीं सिर्फ ट्राउजर, ठीक है, ठीक है, आप मंजूर कलेक्शन के हमारे अपने ब्रांड का कोई भी सूट लेते हैं उसके अंदर आपको सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको डिजाइनिंग ही अच्छी मिलती है, आपको उसके साथ साथ क्वालिटी भी इंशाल्लाह अच्छी मिलेगी, ठीक है जी। और कौन कौन से ब्रांड है आपके पास टोटल, जितने भी बड़े ब्रांड है, अगर मैं कहूँ सना स्फीनाज और खाडी का नाम लूं, ये निशाद पड़ा हुआ है, ये देखें ये निशाद लगा हुआ है हमारे पास, मैं आपको चलते चलते जो है ना दिखा देता हूँ। और इसके अलावा इस साइड पे देखें ये एथनिक के बॉक्सेस वगैरह लगे हुए हैं वॉल्यूम्स, ठीक है, कि सारे बॉक्सेस पैकिंग के साथ ऐसे वॉल्यूम्स लगे हुए हैं, आपको कोई वॉल्यूम लेना चाहे उसको ऐसे बॉक्स पैकिंग के साथ जाता है पूरा का पूरा वॉल्यूम ना, ठीक है। उसके बाद इस साइड पे आ जाएं, ये देखें ये अलमीरा लगा हुआ, ठीक है, एथनिक अलमीरा, उसके बाद ये इसके साथ जो है वो निशाद फिर लगा हुआ है, इधर सना सफीनाज के बॉक्सेस लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारे पोर्शंस में अलग अलग वैरायटी जो अलग अलग चीजें लगी हुई हैं, ये भी सना सफीनाज लगा हुआ है, उसके बाद जो है ना ये देखें ये निशाद लगा हुआ है, निशा बाय निशाद, ठीक है जी, ठीक है, ये निशा बाय निशाद है, ये देखें, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट तरह के सारे वॉल्यूम्स वगैरह रैक्स में लगे हुए हैं, ये अर्बन ट्रेंड है एक हमारे पास आता है, ये बनारसी दुपट्टे के साथ है, कुलोन दुपट्टे के साथ है, ऐसे की चीज़ें जो है वो डिफरेंट तरह की आपको मिलती हैं, ये मंजूर कलेक्शन के अपने वॉल्यूम्स लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये अलीज़े फैशन है, ऐसे के छोटे छोटे जो ब्रांड्स हैं वो भी मिलते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत फाइन होती है, ठीक है, ठीक है। असल में वो अपना स्पेस मार्केट में इसी वजह से बनाते हैं कि जो क्वालिटी देते हैं, हाँ, ताकि हमारा स्पेस बन जाए, छोटे ब्रांड को यही जो है वो लालच होता है, ठीक है। अगर आप इस साइड पे देखते हैं तो इस साइड के ऊपर जो है वो हमारे खाड़ी और लैमिनेट के बॉक्सेस वगैरह लगे हुए हैं, मैं आपको जो है ना वो दिखाता हूँ, ये देखें साइड, ये देखें आप, ये खाड़ी के सारे बॉक्स लगे हुए हैं, इसके पीछे जो है वो ये लैमिनेट लगा हुआ है, ठीक है, लैमिनेट के अंदर भी जो है ना वो आपको इनके अंदर जिस टाइप के दुपट्टे आते हैं, कोई वॉइल दुपट्टा हो गया, कोई जो है ना लोन का हो गया, या कोई शफून हो गया, बैम्बर शफून, या कोई ऑर्गेन्जा टाइप, हर तरह की वैरायटी जो है ना वो यहाँ से आपको मिलती है। ये देखें ये नूर का हमारा अपना वॉल्यूम है, बिन मंजूर नूर लगा हुआ है, ये गुल अहमद लगा हुआ है, ठीक है, ये लाइका लगा हुआ है, बिन मंजूर का वॉल्यूम लाइका, ठीक है, ऐसे डिफरेंट तरह की जो है ना वो वैरायटी जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलती है। इसके अंदर अलकरम हो गया, खाडी हो गया, निशात हो गया, मारिया भी हो गया, लाइमलाइट हो गया, करिश्मा हो गया, ओरिएंट हो गया, वर्दा हो गया, ठीक है, ये निशा बाय निशात हो गया, और जितने भी को ब्रांड्स हैं बड़े वो सारे के सारे आपको जो है वो इसी एक प्लेटफॉर्म से मिल जाते हैं,
कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्राइस में कितना फ़र्क होता है दूसरों की नस्बत आपके जो प्राइजेज़ जो है ना, वो प्राइजेज हमारी कोशिश होती है कि प्राइजेज बहुत रीज़नेबल हो, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो अटैच कस्टमर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो। असल टारगेट हमारा रीसेलर्स हैं कि रीसेल जो करते हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए। असल में मैंने एक सूट लेना है तो मुझे जो है वो अगर 150-200 महंगा भी मिलेगा तो कोई मसला नहीं है। असल में जो है ना, वो आप देखते हैं कि अगर आपको कोई कहता है कि मैं 1450 में या 1400 में या 1500 में 90-70 देता हूँ, तो असल में ये तो उसके ग्रे के रेट को और आप प्रिंटिंग के रेट को कॉस्ट करें तो वो भी नहीं आता। ठीक है, असल जो 90-70 है वो मैंने आपको भी वैरायटी दिखाई थी, तीनों चीज़ें एयरजेट के साथ हैं, वो हम 1850 में दे रहे हैं। अगर कोई पूरा वॉल्यूम हमसे बाय करता है तो 50 रुपये लेस करते हैं पर सूट पे, और डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान जो है ना वो फ्री करते हैं। उसके बाद यानी 1800 से लेके हमारी जो है 2600-2700 तक, अब हमारी भी जो है वो 2600 में दे रहे हैं एम्ब्रॉयडर्ड। ठीक है, 2700 में दे रहे हैं, 2400 में दे रहे हैं, यानी प्राइजेस जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा रीजनेबल मिलेंगी। यहाँ पे प्राइस का नहीं मसला है इंशाल्लाह। चले ज़बरदस्त है जी। अपनी वो बहन भाई जो नया काम करना चाहते हैं और बताइएगा उनको कोई कामयाबी का गुर, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं माशाल्लाह से इतना खुद सक्सेसफुल है। असल में जमशेद भाई, कामयाबी जो है ना वो डिपेंड करती है, सबसे पहले जो है वो आपकी मेहनत हो, दूसरी चीज़ है कि आपकी ईमानदारी हो, तीसरी चीज़ जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, इन दोनों से भी जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि जब तक आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ नहीं ना हैं, आपने जो है वो उनकी खिदमत करके दिल से दुआएं नहीं ना ली हुई, तो आपको जो है वो ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिल सकती। असल कामयाबी जो है वो माँ बाप की दुआओं में है। ठीक है, आप जो है वो उसके बाद माँ बाप की दवाएं ली हैं, आपने मेहनत की है, आप जो है वो अपना वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक जो है वो आपके लिए जो है ना वो रास्ते खोलेगा नहीं, जहाँ पे रास्ते नहीं है वहाँ पे रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे आपके लिए। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की है। अच्छा अली भाई, बातें तो हम बहुत सारी करते रहेंगे, मैं चाहता हूँ कि बहन भाइयों को आप अपना एड्रेस बता दें। एड्रेस जमशेद भाई, हमारी मेन ब्रांच है फैसलाबाद में, शॉप नंबर 1086-1080 अलमदीना कमर्शियल मार्केट है, साबका गणेश मिल इसे कहते हैं, फैक्ट्री एरिया फैसलाबाद। और सेकंड ब्रांच भी हमारी यहाँ पर मौजूद है, वो है कॉर्नर टाटा स्ट्रीट अपोजिट रहीम सेंटर, टाटा बाजार फैक्ट्री एरिया फैसलाबाद, और वेयर हाउस भी हमारा जो है वो इसी स्ट्रीट के अंदर ही है। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे, बहन भाइयों की ज़ात से आपका, आपकी ज़ात से बहन भाइयों का फ़ायदा हो, और यूँ ही ये कारवां चलता रहे। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी जनाब आज की एपिसोड, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी, जो जो अली भाई ने आपसे बातें की वो आपको कैसी लगी, इनके पास सारे ब्रांड्स होते हैं, जैसे ही कोई बहन भाई आपसे रब्ता करेगा तो ऑटो आपकी कैटलॉग चली जाती है बहन भाइयों के पास, ऑटो कैटलॉग्स भी चले जाती हैं, ऑटो कैटलॉग्स अपडेट भी होती रहती हैं हमारी। आप जैसे ही कॉन्टैक्ट करेंगे, आपने अपना नाम और अपने सिटी का नाम लिख के हमें मैसेज करना है, जैसे ही नंबर सेव होगा आपको जो है वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह सेंड कर दी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थी जनाब आज की एपिसोड, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी, जो जो आर्टिकल दिखाए, जो जो रेट्स बताए वो आपको कैसे लगे, ये सारी बातें आपने अपने भाई को बतानी है कमेंट सेक्शन में। आज तक के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुशकरम रखे, शाद रहें, आबाद रहें, और ज़िंदगी में ढेरों कामयाबियाँ समेटें। अपने भाई जमशेद बदर को दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई प्लेस के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।